कृषि कानून के खिलाफ 18वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। में ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन इस ठंड का फिलहाल किसानों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 17 दिन हो चुके हैं किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सरहदों पर टिके हुए हैं। आज 18वां दिन है। 18वें दिन की आज मैं ताजा तस्वीरें टीकरी बॉर्डर से दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं जो टेंट है, ये कल रात को यहाँ पे टेंट लगा था, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही थी, तो उसी को देखते जो किसान स्टेज पे सोते हैं या मौजूद थे उनको कहने के बारिश से बचाया जा सके। फिलहाल अभी सुबह का वक्त है, स्टेज से संबोधन किया जा रहा है और काफी संख्या में किसान अभी भी यहाँ पे बॉर्डर पे टीकरी बॉर्डर पे मौजूद है। और बाकी किसानों की बात की जाए तो धीरे धीरे बाकी किसानों के भी जत्थे जो है दिल्ली की बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। लिहाजा बात करें सुरक्षा को देखते हुए तो बैरिकेडिंग की उस ओर किसान है, तो बैरिकेडिंग की इस ओर सुरक्षा के इंतजाम देखिए। ये रैपिड एक्शन फोर्स है, तमाम फोर्सेस को ऐसे ही 2400 घंटे यहाँ पर बैरिकेडिंग पे तैनात किया रहता है कि पुलिस की तरफ से कोई चूक न हो जाए, उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आप बात करें ITBP के जवानों की तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, तो पीछे की ओर ये ITBP के जवान है। ये 2 से 3 लेयर बनाई गई है पुलिस फोर्स की। ये तमाम जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये ITBP के जवान हैं। इन जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के भी जवान यहाँ पे काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि किसानों ने कहा था कि हम जयपुर हाईवे और आगरा हाईवे को ब्लॉक करने गए, और कुछ किसान जो है हाईवे में पहुंच भी चुके हैं, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से मुस्तैद है। और दिल्ली के तमाम बॉर्डर, चाहे टीकरी बॉर्डर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर, चाहे वो गुड़गांव बॉर्डर, तमाम बॉर्डर में फोर्सेज को बढ़ा दिया गया है। तो कहा जाए सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट है। और जहाँ किसानों की बात करें तो किसानों की भी यही मांग है कि जब तक जितनी मर्जी राजधानी में ठंड पड़ जाए, जितनी मर्जी बारिश आ जाए, हम हटेंगे नहीं, हमारे और ज़्यादा जो हौसले हैं बुलंद होते रहेंगे और सरकार को हमारी जो मांगें वो माननी पड़ेगी। क्योंकि किसानों का कहना है कि जब तक सरकार पूरी तरह से कृषि कानून बिल वापस नहीं लेती, तब तक हम दिल्ली की सीमों पर ऐसे ही डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन आकाश ठाकुर के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज़, टीकरी बॉर्डर।